हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 21 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, एशियन पेंट के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस PDF कॉपी पे जिसको जो एशियन पेंट्स ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को 20 जुलाई 2021 को। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एशियन पेंट ने जो रिजल्ट की कॉपी जो है सबमिट की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं क्वार्टर एंडेड June 30, 2021 के रिजल्ट के बारे में जो कि कॉन्सोलिडेटेड है फाइनेंशियल ईयर 2021 के। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो जो क्वार्टर एंडेड June 30, 2021 में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी वो थी 5,585.36 करोड़। और अगर बात करते हैं सेम पिछले क्वार्टर में अर्निंग के बारे में तो 6,651.43 करोड़ रुपीज़ की अर्निंग थी। और अगर बात करते हैं सेम ईयर में सेम क्वार्टर में तो जो है 2,922.66 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी। और दोस्तों बात करते हैं अदर इनकम के बारे में तो 89.61 करोड़ रुपीस की अदर इनकम है। वहीं बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो 47.09 करोड़ रुपीस की अर्निंग हुई है। और अगर बात करते हैं 31 मार्च 2021 को ईयर एंडेड क्वार्टर के बारे में तो उसमें थी 75.41 करोड़ रुपीस की इनकम थी। दोस्तों अगर हम उसमें फर्दर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, यानी कि जो है इस क्वार्टर में जून एंडेड में वो है 778.56 करोड़। वहीं बात करते हैं 31 मार्च एंडेड क्वार्टर वाले में तो उसमें 1,156.31 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। वो अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि June 30, 2020 में तो 305.76 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। और अगर हम बात करते हैं EPS के पैरामीटर के बारे में तो EPS जो है बेसिक और डाइल्यूटेड, यानी कि जो बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS है वो है मार्च एंडेड 31 2021 के तो वो 8.88%। अगर बात करते हैं 30 जून 2021 की तो EPS है 5.93%, यानी कि जो EPS में थोड़ी सी गिरावट रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो EPS दिखाई दे रहा है 2.28%, यानी कि जो EPS है उसमें जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1 ईयर पे तो वो है 100% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और वो बहुत ही एक अच्छी साइन मानी जाती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट, उसको जो सेगमेंट वाइज डिस्क्राइब करते हैं तो पेंट्स में से कंपनी को 5,464.66 करोड़ की जो इनकम हुई है। वहीं बात करते हैं होम इम्प्रूवमेंट की तो वहाँ से 121.50 करोड़ की इनकम हुई है। वहीं बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में तो 2,874.57 करोड़ की रेवेन्यू हुई है। वहीं बात करते हैं तो होम इम्प्रूवमेंट से जो 50.09 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू हुई है। यानी कि कंपनी जो है मेनली दो ही सेगमेंट में काम करती है, वो एक पेंट और दूसरा होम इम्प्रूवमेंट। और जो कंपनी पेंट बनाने वाली इसलिए ज़्यादा सेगमेंट इसमें अवेलेबल भी नहीं रहते। तो दोस्तों हम बात करते हैं एशियन पेंट्स के कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 के बारे में तो वो इंक्रीज हुई है 91.1% से। और अगर हम बात करते हैं कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सेम क्वार्टर में तो 161.5% से इंक्रीज हुआ है। यानी कि दोस्तों अगर आप एशियन पेंट्स के जो रिजल्ट को ब्रीफली डिस्कस करना चाहते हैं या फिर इस PDF कॉपी को पाना चाहते हैं तो आप जो है BSE की वेबसाइट पे जाके इस कॉपी को जो है आज की डेट को सर्च करके जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।